कानपुर में शनिवार रात पुलिस दो बसों से 110 लोगों को बचाकर थाने लेकर आई। आरोप था कि उनका धर्मांतरण कराने के लिए उन्हें उन्नाव के एक चर्च में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दो क्रिश्चियन को भी मौके से अरेस्ट किया। FIR दर्ज की गई। बजरंग दल के पदाधिकारियों का आरोप है कि उसी रात करीब 200 से 300 लोग थाने पहुंचे, वह पुलिस पर दबाव बनाने लगे। हंगामा करते हुए दोनों आरोपियों को थाने से छुड़ा ले गए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमने धारा 41 का नोटिस जारी किया था। FIR में धाराएं ऐसी हैं जिसमें 7 साल से कम की सज़ा थी, इसलिए थाने से छोड़ा गया था। कानपुर में बजरंग दल की सूचना पर नवाबगंज थाने की पुलिस ने दो बसों को गंगा बैराज से पकड़ा था। इसमें सवार अरमापुर के रहने वाले संजय वाल्मीकि ने आरोप लगाया था कि उनको जबरन धर्मांतरण के लिए उन्नाव की एक चर्च ले जाया जा रहा है। बस में सवार 80% लोग रुपए, इलाज समेत अन्य प्रलोभनों में फंस कर अपना धर्मांतरण कराने जा रहे हैं। घटना ये हुई थी कि ये लोग मेरे पर प्रभाव डालते हैं और जबरदस्ती करते हैं कि क्रिश्चियन बन जाओ और धर्म परिवर्तन कर दो और क्या कहते हैं मूर्तियां सब अपने घर की हटा दो, मूर्ति पूजा ना करो, प्रभु यीशु मसीह को मानो, तुम्हें 50 से लेकर 50,000 तक रुपए देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया का बताते हैं ये लोग। अच्छा जी, कौन लोग? यही जो नॉन विलियम और क्या कहते हैं ये क्या साइमन, विलियम और साइमन, साइमन यही लोग, यही लोग बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपने बीवी बच्चों को भूल जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे कभी नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। बीवी बच्चों को पाने के लिए क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि क्रिश्चियन बन जाओ और मूर्ति पूजा करना छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह को मानने लगो, और ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया का बोलते हैं। अच्छा, आज कहाँ ले जा रहे थे तुम्हें? आज ये लोग मिडवे ले जा रहे थे जबरदस्ती मुझे, और कह रहे थे कि अगर नहीं जाओगे तो आज के बाद बच्चों को भूल जाना। नवाबगंज पुलिस ने मामले में संजय वाल्मीकि की तहरीर पर कल्याणपुर के रहने वाले साइमन विलियम और विष्णुपुरी कोहना के रहने वाले दीपक मोरिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि दोनों की अरेस्टिंग करने के बाद नवाबगंज थाने में भीड़ पहुंच गई। थाने में घेराव और हंगामा शुरू कर दिया। इससे दबाव में आई पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाने से छोड़ दिया। नवाबगंज थाना प्रभारी ने मामले में घोर लापरवाही की है। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत करेंगे। 100 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण की बात पुलिस की पूछताछ में सामने आ गई थी। इसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई और धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा करने के बजाय आरोपियों को थाने से छोड़ दिया। बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्ण तिवारी ने सोमवार को बताया कि धर्मांतरण केस में नवाबगंज थाने में अरमापुर के रहने वाले संजय वाल्मीकि ने FIR दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद नवाबगंज थाने की पुलिस पीड़ित को खुद घर छोड़कर आई थी, लेकिन सोमवार सुबह उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। घर पर मौजूद पत्नी भी गोलमोल जवाब दे रही है। नवाबगंज पुलिस अब वादी की तलाश में जुटी है। DCP सेंट्रल और एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरिश्चंद्र ने बताया कि जमानती धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसके चलते दोनों आरोपियों को थाने से नोटिस देकर थाने से छोड़ दिया गया था। सोमवार को थाने में हंगामे का वीडियो सामने आया है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।